हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 30 अप्रैल यानी ट्यूसडे को मार्केट का मूड और सेंटिमेंट कैसा होगा, ये हम एनालिसिस के जरिए फाइंड करेंगे। और उसके बाद हमारा एक ओवरऑल स्ट्रेटजी क्या बनेगा ट्यूसडे को, ये भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। कुछ दिनों से फैमिली फंक्शन में बिजी थे, इसलिए हम रेगुलर वीडियो नहीं बना पा रहे थे। अब से रेगुलर वीडियोज आएगा और फर्स्ट ऑफ मई से हम पहले की तरह जैसे वीडियो बनाते थे वैसे वीडियो बनाएंगे। तो हम एनालिसिस पे आएंगे, उससे पहले कुछ और चीज़ें डिस्कस करना ज़रूरी है। सबसे पहला एक नेगेटिव न्यूज़, एक पॉजिटिव न्यूज़। नेगेटिव से शुरुआत करते हैं। BSE स्टॉक्स में हमें एक ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिला और ये क्वालिटी स्टॉक्स है। जिन भी लोगों का BSE में इन्वेस्टमेंट है या फिर इस शेयर्स को लेके इंटरेस्टेड हैं, तो हमें यहाँ पे ये देखना है कि क्या BSE में एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है या फिर इसमें हमें और फॉल यानी और गिरावट हमें देखने को मिलेगा। और BSE के ऊपर अगर आप एक फ्रेश वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएगा, इसके ऊपर हम एक फ्रेश वीडियो बनाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। और इसके कारण से जेफरीज ने यहाँ पर अपना डाउनग्रेड भी करा है रेटिंग। ये गिरावट अपॉर्चुनिटी है या नहीं है ये हमें फाइंड करना है। दूसरा चीज़ जो हमें देखना वो ICICI बैंक को लेके एक पॉजिटिव न्यूज है। ये इंडिया का 5th इंडियन कंपनी बन गया जिसका मार्केट कैप 8 लाख करोड़ से ऊपर चला गया, और ये ओवरऑल इंडियन मार्केट के स्ट्रेंथ को इंडिकेट करता है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि आप इन्वेस्टमेंट करें जहाँ भी आपको बेहतर कंपनी मिलता है और ये आपको बेहतरीन रिटर्न बना के देगा। तो चलिए अब हम चलते हैं निफ्टी के एनालिसिस के ऊपर। निफ्टी के अगर हम एनालिसिस के ऊपर आएँ तो क्या हुआ, फ्राइडे को मार्केट में गिरावट हमें देखने को मिला था और उसके बाद यहाँ पे हमें एक शानदार रिकवरी देखने को मिला है। और मंडे यानी आज जो रिकवरी देखने को मिला है ये मार्केट में हमें बायर्स के स्ट्रेंथ को डिनोट कर रहा है। क्यों स्ट्रेंथ को डिनोट कर रहा है, इसके लिए मैं आपको 3 रीजंस दे रहा हूँ। सबसे पहला, मार्केट आपका एक बॉटम बनाए हुए, जब से ये 21 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर गया है, वाइट लाइन आपका ये 21 डे सिंपल मूविंग एवरेज, तब से इसी को एज ए सपोर्ट के रूप में ट्रीट कर रहा है। आप यहां पे क्लियरली देख भी सकते हैं, इसके नीचे कभी भी क्लोजिंग नहीं दिया है, मतलब मार्केट का एक सपोर्ट डिफाइन हो गया। अब अगर हम बात करें दूसरा पॉजिटिव न्यूज, तो यहां पे हमने क्या करा है, हमने एक और इंडिकेटर यूज करा है RSI 14, और ये आपका क्रॉसओवर है, RSI क्रॉसओवर। और इस क्रॉसओवर के ऊपर अगर हम फोकस करें तो ये भी एक पॉजिटिव क्रॉसओवर हमें दिखा रहा है, मतलब ये भी बायर्स के स्ट्रेंथ को सपोर्ट कर रहा है। तो 2 रीजन हो गया, मार्केट में एक सपोर्ट है पहला रीजन, दूसरा कि एक पॉजिटिव हमें क्रॉसओवर देखने को मिला है, तीसरा आज का कैंडल में क्या है, ओपन इक्वल टू लो बराबर है एंड हाई इक्वल टू क्लोज बराबर है। और पिछले 2 दिन के कैंडल का जो भी हाई था उस हाई के ऊपर निकला तो निकला है, लेकिन उस हाई के ऊपर क्लोजिंग भी दिया है। तो ये सारे पॉइंट हमें इंडिकेट करता है कि मार्केट में बायर्स में हमें स्ट्रेंथ देखने को मिल रहा। अब अगला क्वेश्चन आपके मन में रेज हो रहा होगा कि बायर्स में स्ट्रेंथ है तो क्या मार्केट 22500 के सपोर्ट लेवल को होल्ड करेगा, इसको ब्रेक नहीं करेगा। कल ब्रेक होने के चांसेस कम है, लेकिन इस हफ्ते ब्रेक हो सकता है, क्योंकि फ्राइडे को ब्रेक हुआ है, इस हफ्ते ब्रेक हो सकता है। तो हम कैसे बायर्स के स्ट्रेंथ को पता करेंगे, जब तक इसके ऊपर है बायर्स में स्ट्रेंथ है, इसके अगर नीचे आता है तो मार्केट का सबसे पहला काम क्या होगा, अगले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशंस में फिर से ये 22500 के ऊपर जाने की कोशिश करेगा। और नेक्स्ट 1 to 3 ट्रेडिंग सेशंस में अगर ये 22500 के ऊपर चला जाता है तो ठीक है, नहीं जाता है तो मार्केट का मूड और सेंटिमेंट फिर निगेटिव होगा, फिर खराब होगा, फिर ये आपका 22200 से लेके 22000 के लेवल पे जाता हुआ दिख सकता है। तो क्लियर है कि मार्केट का मूड और सेंटिमेंट कब खराब होगा। अब हम चलते हैं इसके ऑप्शन चेन पे, देखते हैं वहां पे क्या कुछ इंडिकेशंस हमें मिल रहे हैं। तो जैसे हम निफ्टी के ऑप्शन चेन पे आते हैं, सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो हमें देखने को मिल रहे हैं, कॉल पुट दोनों मिला ले तो 22500 के लेवल पे ही देखने को मिल रहे हैं, जबकि फ्राइडे को मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग दिया था। तो जैसे मार्केट इसके ऊपर आता है बायर्स में कॉन्फिडेंस आता है और यहाँ पे 81 लाख के करीब आपके पुट राइटर्स मौजूद है, तो एक सपोर्ट लेवल हमें मिल गया। वैसे सपोर्ट रेंज की बात करें तो 22300 से 500 का एक सपोर्ट रेंज हमें देखने को मिला है। वैसे स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो सबसे हाईएस्ट आपका 23000 के लेवल पर कॉल राइटिंग हमें देखने को मिल रहा है, तो इसके ऊपर मार्केट जाने के चांसेस कम है, ये सबसे स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ लेवल। लेकिन यहाँ भी 22800 से लेकर 23000 का जो रेंज है ये एक इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस के रूप में काम करेगा और यहाँ पे अच्छे खासे कॉल राइटिंग भी हो रखे हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें तो लगभग आपका 2 लाख के करीब आपके कॉल राइटर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं,
इसलिए इस रेंज के क्रॉस करने के चांसेस बहुत कम है और इस रेंज करीब आता है तो आप ऊपर में प्रॉफिट बुकिंग भी स्टार्ट कर सकते हैं। ये हमें आइडिया मिल रहा है निफ्टी के ऑप्शन चेन पे। इसलिए हर एक चीज़ का एनालिसिस जरूरी है और अपने वीडियो में आपको कंप्लीट एनालिसिस बताता हूँ। जब ऑप्शन चेन की बात कर ही रहे हैं तो यहाँ पे एक PCR भी आता है, तो निफ्टी का PCR की अगर हम बात करें तो 1.1 करीब है, अभी कंफर्टेबल है। लेकिन अगर ट्रेडिंग सेशंस में ये आपका 1.3 के ऊपर जाता है तो हमें इरिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल क्या देखना, हमें यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करना है। अगर आपने उससे नीचे बाई कर रखा है तो फिर 1.3 के अबव जाने के बाद बाइंग से हमें परहेज करना है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हमारा निफ्टी में स्ट्रैटेजी क्या बनेगा। निफ्टी में अगर हम स्ट्रैटेजी के ऊपर बात करें तो 22,665 के अबव जाने पे आपका बाय साइड की तरफ ट्रेड बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक मोमेंटम आएगा और ये मोमेंटम मार्केट को 22,715 के लेवल तक ले जाएगा। इससे ऊपर निकलेगा तो 22,765 के अगले रेजिस्टेंस लेवल तक पहुंच सकता है। सपोर्ट की बात करें तो 22,300 से 350 का एक सपोर्ट रेंज है और इस सपोर्ट रेंज से रिवर्सल आ सकता है 22,600। इस सपोर्ट लेवल को अगर ब्रेक करके प्राइस नीचे गया तो यहाँ पे आप आसानी से बिकवाली कर सकते हैं, क्योंकि इसको तोड़ा तो प्राइस 22,535 के लेवल पे जाएगा। इससे और नीचे गया तो 22,475 के करीब जा सकता है। उसके बाद 22,850 इस लेवल करीब प्राइस आता है तो एक ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग आएगा। एज ए रिजल्ट मार्केट में गिरावट आएगा तो यहाँ पे हम बाय साइड वाला ट्रेड ले सकते हैं। तो ये सारा काम करना हमें निफ्टी में। तो चलिए अब हम बैंक निफ्टी के ऊपर बात करते हैं। बैंक निफ्टी के ऊपर अगर हम बात करें तो यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें हैं बात करने को, तो एक एक करके और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हम बात करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट आज के दिन का है, वो है PCR। क्यों? क्योंकि PCR बैंक निफ्टी का 1.6 के करीब आ गया है और ये ज़्यादा नहीं है, बहुत ही ज़्यादा हाई है। और ये एक्सपायरी के बाद का नहीं है जहाँ पे कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स कम रहते हैं, ये एक्सपायरी में अभी टाइम है और उससे पहले है और अच्छे खासे नंबर में है। मतलब बैंक निफ्टी जैसे ही आपका रेसिस्टेंस करीब जाएगा हमें एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा। तो जैसे रेजिस्टेंस करीब जाता है आपको भी क्या करना है, प्रॉफिट बुकिंग करना है, क्योंकि यहाँ पे PCR बहुत ही ज़्यादा हाई है। और अगर मार्केट आपका डिप लेता है और सपोर्ट करीब आता है और PCR आपका कम होता है, तीन कंडीशन है, डिप लेता है, सपोर्ट करीब आता है और PCR कम है, तो बाइंग कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम कैंडलस्टिक के ऊपर बात करें तो लास्ट दो महीने में सबसे बिगेस्ट गेन है बैंक निफ्टी का, जिसमें ये आपका 2.5% के करीब का एक अपसाइड मूव दिखाया ऑन अ सिंगल डे। और इस अपसाइड मूव के कारण बैंक निफ्टी पहली बार 49,000 के ऊपर क्लोजिंग दिया और इसने फ्रेश ऑल टाइम हाई लेवल का फॉर्मेशन करा, वो है आपका 49,473 का लेवल। और ये सब स्ट्रेंथ को दिखा रहा है। यहाँ भी अगर हम बात करें तो 9-day सिंपल मूविंग एवरेज को हमने यहाँ पे ऐड कर रखा है, 9-day सिंपल मूविंग एवरेज, और इस सपोर्ट लेवल के नीचे क्लोजिंग नहीं दिया लास्ट 3-4 ट्रेडिंग सेशंस की अगर हम बात करें तो। यहाँ भी मार्केट आपका एक सपोर्ट बना रखा है जिस सपोर्ट लेवल को ये मल्टीपल टाइम्स रिस्पेक्ट कर रहा है। इस सपोर्ट करीब भी अगर आता है तो आप यहाँ पे बाई कर सकते हैं, चाहे मंडे को आए, ट्यूजडे को आए, जब भी आए आपके पास मौका है डिप में खरीदारी करने का। तो चलिए अब हम चलते हैं इसके ऑप्शन चेन के ऊपर। बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन के ऊपर अगर हम फोकस करें तो यहाँ भी आप क्लियरली देख सकते हैं कि 49,000 के लेवल पे अच्छे खासे पुट राइटर्स अवेलेबल है। मतलब यहाँ पे आपका एक सपोर्ट देखने को मिल रहा है और सपोर्ट जोन की अगर हम बात करें 48,800 से लेके 49,000, ये सपोर्ट जोन है और इस सपोर्ट लेवल के करीब से कहीं से भी रिवर्सल आ सकता है। रिवर्सल आता है तो यहाँ पे आप बाय साइड की तरफ जा सकते हैं। रेसिस्टेंस के ऊपर अगर हम फोकस करें तो 50,000 के लेवल पे कॉल वाइटिंग हो रखा और यही सबसे स्ट्रांग रेसिस्टेंस के रूप में काम करेगा बेस्ड ऑन कॉल वाइटिंग। और यहाँ पे आता है तो प्रॉफिट बुकिंग जरूर कीजिएगा, बिकवाली का मौका मिलता है तो बेच सकते हैं लेकिन प्रॉफिट बुकिंग जरूर करना है। 49,500 मेक और ब्रेक लेवल है लेकिन यहाँ भी अच्छे खासे कॉल वाइटर्स आपके अवेलेबल है, तो इसके ऊपर निकलने पे और बायर्स में स्ट्रेंथ आता है तो बाय साइड की तरफ ट्रेड लिया जा सकता है। तो ऑप्शन चेन भी हमें मल्टीपल स्टोरी बताता है, बस हमें उसको समझने की देरी रहती है। समझ में नहीं आता है तो हम अपने वीडियो में रेगुलर कवर करते हैं, वहाँ वीडियो रेगुलरली देख सकते हैं। और जो भी लोग पहली बार हमारे चैनल पे आए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। तो हम आ जाते हैं फिन निफ्टी के डेली चार्ट पे, उसके बाद हम मिड कैप निफ्टी के ऊपर बात करेंगे, फिर फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या स्ट्रेटजी बना है उसके ऊपर बात करेंगे। तो आज फिन निफ्टी भी ज़बरदस्त अपसाइड वैल्यू दिखाया है और ये भी फ्रेश ऑल टाइम हाई लेवल को टच करा है और फ्रेश ऑल टाइम हाई लेवल जो बना 21,832 का। और इसमें भी क्या हुआ,
ओपन इक्वल टू लो देखने को मिला और क्लोज इक्वल टू हाई देखने को मिला। तो जब कभी भी चाहे स्टॉक्स हो, निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, फिन निफ्टी हो, डेली चार्ट पे अगर हमें ये चीज़ देखने को मिलता है, ये इंडिकेट करता है कि अपसाइड जर्नी आगे भी कंटिन्यू रहने वाला है। तो इसमें अगर हम सपोर्ट की बात करें तो 21,765 करीब आपको एक सपोर्ट देखने को मिलेगा और 21,850 से लेके 865 के रेंज में आपको एक रेसिस्टेंस देखने को मिलेगा। क्लियर है? अब इसके बाद हम मिड कैप निफ्टी के ऊपर बात कर लेते हैं, फिर दोनों के स्ट्रैटेजी के ऊपर बात करेंगे। तो मिड कैप निफ्टी में ज़्यादा मोमेंटम नहीं है, मार्केट आपका एक रेंज में मूव करता हुआ दिखा है। तो अब नेक्स्ट डे मार्केट आपका 11,015 से लेके 11,065 इसके बीच में ओपन हो सकता है, इसके ऊपर ओपन हो सकता है, अगर गैप अप लिया तो, गैप डाउन लिया तो इसके नीचे ओपन हो सकता है। तो कहीं भी ओपन होता है हमें 11,015 या फिर 11,065 के करीब ही ट्रेडिंग सेटअप तैयार करना। 11,065 के ऊपर निकलता है तो आप बाई साइड की तरफ ट्रेड दे सकते हैं और 11,015 के लेवल से रिवर्सल लेता है फिर भी आप बाई साइड की तरफ ट्रेड दे सकते हैं, बेचने को तैयार है। तो 11,015 के नीचे जाने पर आप बिकवाली कर सकते हैं क्योंकि ब्रेकडाउन आएगा, और 11,065 के लेवल से रिवर्सल लेता है तो यहाँ पे भी आप बिकवाली के लिए जा सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप बिकवाली के लिए जाते हैं तो लगभग आप 30 से 50 पॉइंट के आसपास का आप टारगेट सेट कर सकते हैं और आप यहाँ पे 15 से 20 पॉइंट के आसपास का अपना स्टॉप लॉस भी सेट कर सकते हैं, जहाँ भी आपके लिए सूटेबल बैठता है अपने हिसाब से थोड़ा बहुत आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी के फाइनली स्ट्रैटजी के ऊपर बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी के स्ट्रैटजी के ऊपर अगर हम फोकस करें तो क्लियरली बायर्स में स्ट्रेंथ है तो हमें उसी के अकॉर्डिंग अपना स्ट्रैटजी भी बनाना पड़ेगा। 49,550 के ऊपर निकलता है तो आप बाई साइड की तरफ ट्रेड ले सकते हैं और ज़्यादा गैप अप के साथ खुलता है तो फिर ट्रेडिंग आप एवॉइड कर सकते हैं। इसके ऊपर गया तो प्राइस आपका 49,700 करीब जाएगा, इसके ऊपर गया तो 49,850 करीब जाएगा। सपोर्ट जहां से रिवर्सल आ सकता है वो है आपका 48,800 लेके आप 49,000 का रेंज कर सकते हैं। इस रेंज में कहीं से भी रिवर्सल आता है तो उस रिवर्सल में पार्टिसिपेट किया जा सकता है और ये चीज़ ऑप्शन चेन में भी हमें दिखा था। 49,350 इस लेवल को ब्रेक करके अगर नीचे जाता है प्राइस तो बिकवाली का मौका मिलेगा और यहाँ पे बिकवाली किया जा सकता है क्योंकि प्राइस यहाँ से नीचे गया तो अगले सपोर्ट लेवल 47,200 पे जाएगा, इससे नीचे गया तो 49,050 करीब जाएगा। 50,000 के लेवल से हमें एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल देखने को मिल सकता आता है तो आप यहाँ पे पुट ऑप्शंस बाई करके बेनिफिट ले सकते हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं फिन निफ्टी में क्या स्ट्रैटजी बनाना है। तो फिन निफ्टी की स्ट्रैटजी के ऊपर बात करें, यहाँ पे 21,850 के ऊपर निकलने पे आपको बाई साइड की तरफ ट्रेड लेना है और 21,915 के ऊपर निकलने पे 975 तक के लेवल के लिए जा सकते हैं क्योंकि यहीं पे रेसिस्टेंस है। अब फिन निफ्टी का कल एक्सपायरी भी है तो वो भी ध्यान में रखते हुए स्ट्रैटी हमने बनाया, तीन लेवल्स मैंने दिया है आपके लिए। 21,700 का लेवल है, 21,800 का लेवल है एंड 21,900 का लेवल, तीनों 100 पॉइंट का लेवल है और इन तीनों लेवल पे करीब आता है 11 AM टू 2 PM के बीच में। तो प्रीमियम चेक करना, प्रीमियम अगर आपका 100 से कम है तो जिस भी लेवल दिखता है उसके कॉल साइड एंड पुट साइड दोनों प्रीमियम को ऐड करके चेक कर लेना, 100 से नीचे तो दोनों को एक साथ आप बाई कर सकते हैं। 21,750 के लेवल को ब्रेक करके नीचे आता है बिकवाली कर सकते हैं। 21,650 के लेवल पहला सपोर्ट दिखेगा, यहां तक प्राइस आएगा, इसको ब्रेक करा तो 615 तक आएगा। 22,050 के लेवल के करीब एक रेजिस्टेंस है, यहां पे आता है तो और बिकवाली आ सकता है। तो ये सारा ट्रेड हमें लेना है फिन निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी सब में क्या स्ट्रेटजी बनाना, उम्मीद करते हैं क्लैरिटी के साथ समझ में आ गया होगा। सो दैट्स ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।